लोगों को आराम की सबसे सागर का एक आज मोटिवेशनल या उनके से जो गाइडेंस का काम है। अखिलेश जी आगे बताएं। अखिलेश जी धाकड़ जो आईए हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की रूप में कंप्यूटर साइंस से आप एमसीए और एसडीएम ऑफिस सोमानी मंडी में हमारे समाज की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। आप भी अपने टॉपिक के साथ कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको गाइडेंस देंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में मंचा से अतिथियों का एक बार आपसे परिचय कराऊं, उसके बाद हम आराध्य देव धर्मेंद्र भगवान के पूजा अर्चन के साथ इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले मंच से ठीक आपकी तरफ से दाईं तरफ सबसे प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय श्री फूलचंद जी धाकड़ साहब, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आप गादिया रामगढ़ मंडी से बिलोंग करते हैं और तेसरी में सीनियर अकाउंटेंट हैं। और इसके बाद माननीय श्री प्रदीप सिंह जी धाकड़ साहब जो राधा नगर सुरेल से बिलोंग करते हैं और आप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं हमारे कर्मचारी संघ के। इसके बाद आदरणीय श्री बलराम जी धाकड़ साहब जो बुरनखेड़ी से बिलोंग करते हैं, अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के 80 गांव सुरेल क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय हैं। उसके बाद हमारे जिले के प्रथम व्यक्तित्व के रूप में हमारे संरक्षक मार्गदर्शक माननीय हीरालाल जी धाकड़ साहब जो अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के माननीय जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद माननीय गोविंद सिंह जी धाकड़ साहब जो सुरेल का ही नहीं अपितु पूरे अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसके उपाध्यक्ष भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं और अभी हमारे संरक्षक मंडल में भी हैं, सुनील के हमारे पूर्व सरपंच भी हैं। और आज के हमारे इस सेमिनार में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की जब कुछ नहीं होता तो व्यक्ति इसमें भी एक अच्छा करियर बनाकर अपने जीवन को संवार सकता है और राजनीतिक क्षेत्र में जाकर वह बहुत ही अच्छे कार्य कर सकता है। उसका आपको हमने एक दायित्व दिया है जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके बाद आदरणीय श्री रामकिशन जी धाकड़ साहब जो विजयखेड़ी झालरापाटन से बिलोंग करते हैं, आप हमारे वर्तमान के कर्मचारी संघ के 80 गांव चुनाव क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और उप प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य की भूमिका में मंडल शामपुरा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद आदरणीय श्री रमेश जी धाकड़ साहब जो एडवोकेट भवानी मंडी है सुनेल से बिलोंग करते हैं और जनपद भी रहे हैं या है रहे हैं और आप भी अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिभाषक संघ की भूमिका में प्रथम व्यक्ति हैं और समाज के समस्त कार्यक्रमों में अग्रणी रहे हैं। उसके बाद जो आपके समक्ष एक विभूति विराजमान है सुरेंद्र सिंह धाकड़ गादिया जो धाकड़ युवा फ्रेंड्स क्लब के हमारे अध्यक्ष हैं, वो मंचासी हैं। उसके बाद आदरणीय श्री रामप्रसाद जी धाकड़ साहब जो चीफ पंचायत चेहरा जिसे हर बालक समाज का बंदा जानता है और समाज की अग्रणी भूमिका में मंचासीन समस्त अतिथि की परिचय के बाद जैसा कि मैंने भी आपसे बताया था कि जो 27 हमारे काउंसलर हैं उसमें से काफ़ी कुछ काउंसलर्स हमारे बीच में ठीक मंच के आपके बाई तरफ विराजमान है जिनका परिचय मैं पहले करा चुका हूँ। मैं अब इस कार्यक्रम को शुभारंभ करूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्य अतिथि महोदय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री हीरालाल जी धाकड़ साहब सरपंच साहब और समस्त मंचासीन वयोवृद्ध साथियों से कि भगवान आराध्य देव धर्मेंद्र की पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय अतिथि समस्त